अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद हिस्ट्री। दोस्तों, दिस इज द टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पार्ट 10 सेशन। इस सेशन में हम देखेंगे राकेश यादव के क्लास नोट्स की वीडियो क्वेश्चन नंबर 46 टू क्वेश्चन नंबर 50 तक देखेंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 45 करा चुका हूं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लें ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग हो जाए और कोई भी क्वेश्चन हो SSC या बैंक PO के तो आसानी से बना सकें। देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि एक ट्रेन जयपुर से 10 बजे चलती है और 3 बजे दिल्ली पहुंचती है। ये जयपुर है, ये दिल्ली है, जयपुर है और ये क्या है तुम्हारी, दिल्ली है। ठीक है, जयपुर से 10 बजे चलती है, 10 बजे चल रही है और कितने बजे पहुंच रही है तुम्हारी, 3 बजे पहुंच रही है। तो ये बताओ दोनों में कितना लगेगा, 5 घंटे का डिफरेंस हो गया ना, ये 5 आवर्स का। ठीक है, दूसरी ट्रेन देखो, दूसरी ट्रेन कह रहा है कि दिल्ली से चल रही है ना, दूसरी ट्रेन दिल्ली से 11 बजे चलती है, 11 बजे चलती है और कितने, 6 बजे जयपुर पहुँचते हैं। यानी यहाँ पे कितने बजे पहुँच रही है, 6 बजे। यानी ये तुम्हारी कितने ले रही है आवर्स, देखो 11 से 1 12, 1 घंटा और 6 7 आवर्स, 7 आवर्स ये ले रही है। अब ऐसे केस में कि एक ले रही है 5 आवर्स और दूसरा कितना ले रहा है, 7 आवर्स, दूसरा इधर से आ रहा है ना, 7 आवर्स। ऐसे केस में हम डिस्टेंस को कैसे मानते हैं, दोनों का दूरी, जो दूरी मानेंगे दोनों का LCM ले लेंगे, 5 और 7 का LCM ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। दूरी कितनी हो गई, 35। हम चाल निकाल लेंगे, फर्स्ट ट्रेन है और ये क्या है, सेकेंड ट्रेन है। ठीक है, तो अब ये बताओ चाल निकाल लेंगे, क्योंकि देखो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस पता है ना दोनों का इतना है, तो स्पीड क्या हो जाएगी फर्स्ट ट्रेन की, 35/5 यानी कि 7 हो जाएगी, 7 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा क्या हो जाएगा, देखो दूसरा ये हो जाएगा 35/7 यानी तुम्हारा क्या, 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो फाइनली केस हम बनाते हैं, फाइनली केस ये है कि ये जो है तुम्हारा 7 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि फर्स्ट ट्रेन है इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन है जो कि इधर आ रही है, इधर 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये बताओ ये चली थी कब, ये 10 बजे चली थी ना, 10 बजे चली थी और 10 बजे चली थी इधर से, और ये कितना बजे चली थी, 11 बजे चली थी। ठीक है, अब ये बताओ हम क्या करते हैं, इनका टाइम हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हम टाइम को बैलेंस करते हैं, यानी 11 बजे देखते हैं, 11 बजे ये वाला, 11 बजे इसको देखते हैं, 1 घंटा में कितना किलोमीटर जा रही है, 7 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटा 10 से 11 घंटा, 1 घंटा 10 से 11, 7 किलोमीटर पहुँच गई, यानी ये यहाँ पर चली गई। अब ये बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस था 35, टोटल 35 था, 7 ये घट गया, 7 घट गया तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 28 ये हो गया। ठीक है, 28 जब ये हो गया तो ये बताओ अब हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब देखो डिस्टेंस हमारे पास 28 मिल गया, ठीक है, स्पीड दोनों अपोजिट जा रहे हैं ना, एक जा रहा है 7 और दूसरा जा रहा है 5, तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, क्योंकि मैंने हमेशा बताया है कि अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो S1+ क्या होता है, S2, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 7 5 12 इनटू टाइम। टाइम तो ही निकालना है, T = क्या आ गया, 28/12। 28/12 को देखो 4 3 12, 4 7 28, 4 3 12, तो 7/3 हो गया, 7/3 हो गया ना ये, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 सही 1/3 तुमको आवर्स, या इसी को लिख सकता हूँ 2 घंटे। ठीक है, 60 में भाग दो तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 20 मिनट, 2 घंटे 60, क्योंकि देखो 2 आवर्स है, 1/3 है, 1/3 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो आवर्स में बदलने के लिए, 2 आवर्स प्लस कितना, 20 मिनट, यानी कि 2 आवर 20 मिनट लगेंगे। अब 2 आवर 20 मिनट चले कितने बजे, 11 बजे, 11 बजे चले थे, 2 आवर्स लगा, यानी कि 13:20 पे, 13:20 11 12, तो 13:20 कितना होता है, 1:20 पे वो क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि 11 बजे चले थे, दो घंटे 20 मिनट के बाद 12:01 पे मिलेंगे, या 13:20 उसी को बोल लो, या 1:20 बोल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन नंबर सेम एज ही 46 जैसा ही क्वेश्चन कर रहा है कि एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलती है, ये हमारा ए है, यहाँ से क्या चलती है, 7 बजे चलती है। ठीक है, और कहाँ पे पहुँचती है, बी पे पहुँचती है, बी पे कहाँ पे, शाम में 7 बजे पहुँचती है, 7 बजे पहुँचती है, 7 से 7 यानी कि कितना लेती है, 12 घंटे लेती है। ठीक है, 12 घंटे। दूसरी ट्रेन बी से चलती है
और सुबह 9 बजे चलती है और 5 बजे पहुंचती है, 9 बजे चलती है और कितने बजे पहुंचती है, 5 बजे शाम को पहुंचती है। यानी देखो 9 3 12, 3 घंटा इधर और 5 घंटा इधर, 3 और 5 घंटा यानी कि तुम्हारा कितना घंटा लग गया टोटल, देखो टोटल 8 घंटे लग गए, 8 घंटे लग गए, ठीक है, क्योंकि देखो 9 3 12 3 घंटा और इधर 5 घंटा, 8 घंटे। अब मैंने बोला था देखो एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन ए साइड से चल रही है, फर्स्ट ट्रेन और सेकेंड साइड बी साइड से चल रही है, एक ले रही है तुमको 12 घंटे, दूसरी क्या ले रही है 8 घंटे, 12 8 का दूरी मैंने बताया था, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 12 8 का एलसीएम कितना हो गया 24, स्पीड भी निकल जाएगा 24 बाई 12, 24 बाई 12 कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, उसी तरह इसको करोगे तो 24 बाई 8 यानी कितना 3 किलोमीटर पर आवर। ये मैं कैसे किया हूँ, क्योंकि देखो तुम्हारे पास डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, दूरी पता है तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी दोनों की सेम ही है। अब देखो अब हम फाइनली केस बनाते हैं, फाइनली केस क्या है कि ए जो है, ए वाला डिस्टेंस ये तुम्हारा कैसे चल रहा है, तुम्हारा 2 किलोमीटर पर आवर, और इधर से कैसे चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर। अब ये बताओ ये चल रहा है 7 बजे, ये चल रहा है 7 बजे और ये तुम्हारा चल रहा है 9 बजे, यानी दोनों के बीच का गैप कितना है 9 बजे तक, इसको चला लें 9 बजे तक, 2 घंटे, 1 घंटे में 2 चल रहा है, 1 आवर में 2 किलोमीटर चल रहा है, तो 2 आवर्स में कितना चलेगा 4 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर ये चल जाएगा, टोटल कितना है 24 किलोमीटर है ना हमारे पास, दूरी कितनी है 24, यानी ये तुम्हारी कितनी हो जाएगी 20। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पता चल गया ना, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो जुड़ जाएंगे S1 + S2 यानी कि 2 + 3 यानी कि 5। डिस्टेंस तुम्हारा कितना है, ये वाला डिस्टेंस है तुम्हारा ना 20, ठीक है, 20 इजिक्वल टू स्पीड कितनी हो गई 5 इंटू टाइम, टाइम कितना लगा 20 बाई 5 यानी कि तुम्हारा 4, जब 4 आवर्स तो ये लग गए, तो तुम्हारे 4 घंटे चले कितने बजे थे, 9 बजे से यहाँ से स्टार्ट किए ना, क्योंकि हमने टाइम को क्या कर दिया था, सेम कर दिया था टाइम, तो 9 बजे चले, 9 AM पे चले और 4 घंटे बाद मिले, 4 घंटे बाद यानी कि 10 11 12 1, ठीक है, यानी कि तुमको क्या मिलेंगे 1 PM पे वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन है 47 की तरह, एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है, मान लो ये दिल्ली है, दिल्ली से कोई ट्रेन फर्स्ट ट्रेन है वो क्या कर रही है 8 बजे क्या कर रही है, चल रही है 8 बजे चल रही है, और कहाँ आगरा पहुँच रही है, AGR आगरा कहाँ पहुँच रही है 10 बजे, यानी कि कितने घंटे में पहुँच, दोनों के बीच का टाइम कितना है 2 घंटे का, क्लियर है। अब क्या कर रहा है कि दूसरी ट्रेन 8 बजे खुलती है, 8 बजे खुलती है, यहाँ देखो शाम खुलने का टाइम क्या है सेम है, ठीक है, और पहुँचती क्या है 11 बजे पहुँच रही है, यानी कितना ले रही है 3 घंटे। अब मैंने आपको बताया था ना ये सेकेंड फर्स्ट ट्रेन है जो 2 घंटे लेती है, सेकेंड ट्रेन है जो 3 घंटे लेती है, अब दोनों का दूरी निकालना है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो इसका 4 निकाल देंगे 6/2 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर, और इसका निकालेंगे तो 6/3 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। अब फाइनली हम देखो ऐसे बनाते हैं, ये चल रहा है तुम्हारा कितना 3 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना चल रहा है इधर 2 किलोमीटर पर आवर। और ये बताओ ये 8 बजे खुल रही है, ये भी क्या कर रही है, यहाँ से 8 बजे ही खुल रहा है, दोनों साइड से अपोजिट साइड से 8 बजे खुलने, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, और ये डिस्टेंस हमें क्या है 6, क्योंकि हमने अभी निकाल चुके हैं यहाँ पे। तो देखो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड जुड़ जाएगी ना 3 और 5 3 + 5, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, मैंने अपोजिट डायरेक्शन बताया ना कि S1 + S2 होता है, तो डिस्टेंस तुम्हारा 6 है, स्पीड कितनी है तुम्हारी 5, दोनों की 3 + 2 5 हो जाएगा, टाइम तो टाइम कितना हो जाएगा 6/5 6/5 क्या होता है 5 × 5 5 × 2 = 10 1.2 आवर्स हो गया। अब 1.2 आवर्स तो ये हो गया, पहले चले थे कितने बजे 8 बजे प्लस 1.2 आवर्स ले लिए, यानी तुम्हारा 9.9 देखो तुम्हारा ये कितने देर में पहुँचेंगे, देखो 1.2 आवर्स ले लिए यानी कि 9:12 AM पे, ठीक है 1. देखो ये तुम्हारा क्या, अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पे देख लो, ये तुम्हारा हो जाएगा 1.12, ठीक है, तो यहाँ पे भी 1.12 हो जाएगा, यानी कि 9. तुम्हारा क्या हो जाएगा 12 AM यानी कि इतना टाइम पे वो क्या करेंगे मिल जाएंगे एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, वो ऐसे समटाइम्स आते हैं बट ऐसे जानना जरूरी है। क्वेश्चन कर रहा है कि अपनी चाल के 6/7 भाग जाने से एक आदमी
12 मिनट लेट होता है। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, कांस्टेंट मतलब समान हो हर जगह, तो स्पीड क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम, ठीक है। ये मतलब क्या कि अगर चाल तुम्हारा, चाल का रेशियो अगर 7/5 हो तो समय का रेशियो, समय का रेशियो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5/7, जब क्या हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो। यानी कि देखो स्पीड अगर तुम्हारी 7/5 हो तो समय क्या हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि टाइम तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5/7, ठीक है। तो देखो हम चाल का रेशियो दिया हुआ ना, चाल का रेशियो क्या दिया हुआ, 6/7। चाल का रेशियो अगर 6/7 दिया हुआ है देखो, तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, समय का रेशियो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 7/6। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 6/7 भाग जाने से एक आदमी 12 मिनट लेट होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, यू वन यूनिट के लिए कितना, 12 मिनट का लेट है, ठीक है। अब क्वेश्चन किसका पूछ रहा है, दूरी तय करने में लगने वाला वास्तविक समय, वास्तविक समय नीचे वाला होता है, वास्तविक समय, वास्तविक समय, वास्तविक समय मतलब क्या, रियल समय, ठीक है। तो देखो 6 यूनिट का निकालना, तो 6 यूनिट का क्या हो जाएगा, 12 × 6 यानी कि 72 मिनट, इसका क्या है, रियल जो है टाइम है, ठीक है, या वास्तविक टाइम लगेगा उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक निश्चित दूरी तय करने में ए और बी की चाल का अनुपात, देखो चाल का अनुपात ए और बी का अनुपात कितना है तुम्हारा, 3/4, तो समय का अनुपात तुम्हारा क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था 4/3 हो जाएगा, क्लियर है बात, इसके अपोजिट हो जाएगा। पहुँचने में देखो क्वेश्चन इसके बाद कर रहा है, पहुँचने में ए बी से 30 मिनट ज़्यादा लगता है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 30, क्यों, क्योंकि देखो ए बी से ज़्यादा लेगा तो ए, यानी कि दोनों के बीच का, मैं बोलता हूँ कि मैं तुमसे 30 मिनट पहले पहुँचता हूँ, यानी कि तुम 30 मिनट बाद पहुँचोगे, यानी कि तुम्हारा सिंपल सही दोनों के बीच का गैप कितना है, 30 मिनट का है, तो 1/T = कितना है, 30, तो हमें पूछ किसका रहा है, दूरी तय करने में ए द्वारा समय, ए का कितना पार्ट है, 4 पार्ट है ना, तो 4th पार्ट क्या होगा, 30 × 4 यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 120 मिनट में वो क्या होगा, दूरी को तय कर लेगा। तो इस तरह से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको डेली राकेश यादव के इब्री क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपने